नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सुजालपुर, योग गुरु बाबा रामदेव पर ज्योतिष और मुहूर्त की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए परशुराम सेना सुजालपुर ने SDM प्रकाश कस्बे को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देते हुए कहा कि बाबा रामदेव ने जिस तरह एलोपैथी पर दिया अपना विवादित बयान वापस लिया, उसी तरह ज्योतिष के ऊपर दिए गए बयान को भी वापस लेना चाहिए। साथ ही सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। ज्ञापन में राष्ट्रपति से उन पर दंडात्मक कार्यवाही करने की भी मांग की गई। ज्ञापन का वाचन ब्राह्मण समाज युवा शाखा अध्यक्ष पार्षद प्रवीण जोशी ने किया। इस दौरान अनिल पाठक, ओम पंचोली, प्रवीण जोशी, पीयूष शर्मा, रिंकू शर्मा, लखन दुबे, संतोष तिवारी, शुभम शर्मा, संजय शर्मा, नितिन मिश्रा, प्रतीक बिड़वाले, अर्पित शर्मा, अंकित शर्मा, देव शुक्ला आदि भी उपस्थित थे। नहीं, हम सरकार के लोग हैं, हमारा सामने आना ठीक नहीं। चमचे पर काम करते हैं, अंधभक्त थोड़ी करते हैं। किशन जी यादव, जिनको सभी रामदेव बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज ने खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है और ब्राह्मण समाज उनकी योग और आयुर्वेद की वजह से इज्जत करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। वेदों में वर्णित ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का आप अपमान कर रहे हैं, मुहूर्त को गलत बता रहे हैं। और इसके पहले भी रामदेव जी शनिदेव के बारे में बोल चुके हैं। शनिदेव के बारे में रामदेव जी का बयान है कि ये काले पत्थर की मूर्ति क्या बिगाड़ लेगी, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है बता। इस तरह से मूर्ति पूजा का भी अपमान रामदेव जी के द्वारा पहले भी किया गया है। रामदेव जी ने पहले ब्राह्मणों का अपमान किया, एक सीरियल आया था रामदेव। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।